अब अक्सर तेरे एहसास की पूड़िया को चुपके से पान की तरह खा लेती हूँ। चिंता मत कर, मुंह लाल नहीं होता पर सुकून बहुत मिलता है। पान नहीं, ये अफीम की पुड़िया का जादू है, जहाँ तू बेखबर और मैं बेकाबू हूँ। हमें तेरा नशा नहीं, तेरी आदत है। तू बेखबर, तू मेरी इबादत है। लॉन्ग डिस्टेंस का मसला है जनाब, वरना हम भी शाहजहाँ से कम नहीं। क्यों, तू भी ताजमहल बनवाएगा क्या? नहीं, पर उसकी तरह हमारी कब्र जरूर एक जगह बनवाऊंगा, जहाँ हमारी रूह की महक हमेशा साथ रहे। वो दिन जिस दिन तेरी रूह मेरी रूह को छूकर कहीं उड़ सी गई थी। हाँ, फिर मेरा तेरे बालों को संभालना, हल्के से फूंक मारना और तेरा नजरों को नीचे कर लेना। फिर तेरा मेरे करीब आना, हल्के से मेरे माथे को ऊपर करना और तेरा मेरे माथे को चूमना। एहसास था ऐसे जैसे चांद पर एक दाग, जहाँ चांद तू और दाग में, मुमताज तू शाहजहाँ में, जहाँ साइकिल तू और पैडल में, और जहाँ कलम तू और शाही में, और जहाँ भगवान तू और इबादत में। मेरा हाथ होना और तेरा साथ होना, फिर तेरा साथ चलना और चलने में वो सुकून होना। तेरा मुझे बिन वजह सताना, उल्टा खुद ही रूठ जाना, और फिर मुझे तेरा तुझे बच्चों की तरह मनाना। तेरा मुझे पढ़ाना और फिर बार बार डिस्टर्ब करके ये बोलना कि काली कमीज में बड़े अच्छे लगते हो। तेरा मुझे मनाना, छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटना और फिर खुद अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाना, मानो सपना सा लगता है। तेरा मुझसे मिलना, खूब सारी बातें करना और फिर किसी कहानी के आखिरी पन्ने की तरह चले जाना, मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दूसरे से अलग होना कहाँ का उसूल है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का यही तो दस्तूर है। छिपकर बातें करना, तेरा वहाँ रहकर भी मुझे समझना और तेरा खिलखिलाकर हंसना और फिर तेरा जुल्फों का ठहर जाना। मेरा खुद के हाथों से ही खुद के बालों को समेटना और फिर दोनों का हंसना। तेरा वीडियो कॉल वाली कॉफी डेट करना। तेरा सारा वीकेंड मेरे साथ बिताना। तेरा मेरे अश्क को संभाल कर रखना। तेरा रोज हर साल सही टाइम और सही जगह आना। तेरा वीडियो कॉल पर वो प्रपोज करना। तेरा हर साल एक ही प्रॉमिस लेना और तेरा हर साल खुद को ही गले लगा लेना और चुपके से तेरी एहसास की पुड़िया को फिर से खा लेना। बड़ा अच्छा लगता है।